Yeah. में आई देखिए परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर मारा और हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए हमारा दंड उस पर डाल दिया और उससे मारा हमारे हमारे पाप के लिए बलिदान किया और उसे मुर्दों में से जिलाया और फिर हमें सुसमाचार प्रचार किया गया हम सुसमाचार में विश्वास रखते हैं हम यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते और वो स्वीकार करते जो परमेश्वर ने उद्धार के द्वारा हमारे लिए तैयार किया यीशु मसीह के द्वारा तो सच में वहां क्या हुआ बाइबल कहती कि वहां क्या हुआ कि परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ गया आत्मा में कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ परमेश्वर का जीवन यानी जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है वो हम में आ गया परमेश्वर का जीवन ग्रीक भाषा में से जोए शब्द कहा गया है नए नियम में जोए अलौकिक जीवन है परमेश्वर का जीवन स्वयं परमेश्वर का जीवन जिसके द्वारा परमेश्वर जीता है ऐसा जीवन जिसका परमेश्वर आनंद उठाता है हम उसे अनंत जीवन हमेशा का जीवन और ये सब कहते हैं ये उसके जीवन में ज्यादा समय रहना नहीं उस जीवन की विशेषता है जोर तो जीवन की उत्तमता पर होना चाहिए यानी जब हम नया जन्म पाते हैं हमारी आत्मा में कुछ होता है जहां परमेश्वर का जीवन आता है वो कैसे आता है चलिए पुरानी सृष्टि में चलते हैं आदि में पृथ्वी तो आ, सुनसान और बेडोल थी ठीक है फिर यह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था फिर परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जाए इस तरह सृष्टि हुई गड़बड़ी थी क्रम नहीं था फिर परमेश्वर का आत्मा आता और मंडराने लगा और वचन कहने लगा जब तक वचन नहीं कहा गया था कुछ नहीं हुआ और जैसे वचन कहा गया ज्योति आ गई उसने कहा कि ज्योति हो जाए ठीक है यानी ये सब हुआ परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और वचन कहा गया और इसलिए सृष्टि बनाई गई सब कुछ इसी के द्वारा बनाया गया आत्मा चल रहा था और वचन कहा गया अब जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया उसने ऐसे ही बनाया उसने भूमि की मिट्टी लेकर मनुष्य का शरीर बनाया फिर बाइबल कहती उसने श्वास फूंका मनुष्य में अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर बैठकर गुब्बारा फुला रहा था बहुत हो गया बहुत मुश्किल है मैं जोर से फूक रहा हूं कि इसमें जीवन दू नहीं हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ऐसा करे परमेश्वर वहां बैठकर फूंक रहा था पंप करता है जोर से फूंकता है किसी तरह पंप करता है कि जीवन पंप करें नहीं 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 मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचने के बाद वो उसके पास जाकर कहता है मनुष्य हो जाए और जब उसने कहा मनुष्य हो जाए देखिए श्वास और वचन हमेशा एक साथ आते हैं श्वास के लिए शब्द है न्यूमा यानी पवित्र आत्मा आत्मा और वचन और श्वास एक साथ आते हैं और आत्मा के बिना आप वचन नहीं कह सकते या संभव है वह हमेशा एक साथ काम करते यानी जब परमेश्वर ने कहा मनुष्य हो तो मनुष्य जीवित प्राणी हो गया इस तरह उसने मनुष्य को बनाया इस तरह पहली सृष्टि हुई अब क्या लगता है नई सृष्टि कैसी हुई एक और चीज देखिए इसके पहले एक और चीज देखिए ईशु का जन्म भी देखिए स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया उससे बताया गया कि तुझे बेटा होगा और उसने कहा बेटा कैसे होगा मेरी शादी नहीं हुई मैं किसी पुरुष को नहीं जानती और स्वर्गदूत ने जवाब देकर कहा पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा और पवित्र आत्मा की मदद से तुम बेटे को जन्म दोगी ठीक है उत्पत्ति एक में भी यही हुआ पवित्र आत्मा आता है कि उत्पन्न करे वचन कहा गया वचन क्या था तुम्हें एक बेटा होगा जो इस जगत का उद्धारक होगा यह वचन है मरियम ने क्या कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो बस यही यह एक व्यक्ति ने वचन स्वीकार किया यहां परमेश्वर ने जिसने वचन कहा और यह पवित्र आत्मा चल रहा था और वहां यीशु का जन्म हुआ पुरुष के बिना मरियम की कोख में अब नई सृष्टि कैसी होती है ये इसी तरह होती है जब आप नया जन्म पाते हैं समझ ले कि आप नया जन्म कैसे पाते हैं ये पवित्र आत्मा का काम है मेरे दोस्तों हम धर्म नहीं प्रचार करते हम आपको चर्च में जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको नाम दे और आपका और आपका नाम लिखकर आपको आपको चर्च में जोड़ दे आप चर्च में जुड़ते हुए भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते ये इस बारे में नहीं मैं बता रहा हूं कि उद्धार के समय क्या हुआ पवित्र आत्मा लोगों के दिल में चलने लगा आपने उद्धार कैसे पाया पवित्र आत्मा आपके साथ काम करने लगा आप अपने जीवन में बुरा महसूस करने लगे आप कुछ बदलाव की जरूरत महसूस करने लगे आपने यहां और वहां देखना शुरू किया आपने देखना शुरू किया और कोई आपके पास आया किसी ने आपको चर्च में बुलाया किसी ने आपको प्रार्थना सभा में बुलाया या कोई वातावरण था जहां आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा में थे और परमेश्वर का वचन आपको बताया गया जब आपको वचन बताया गया पवित्र आत्मा ने आपके दिल में व्यवहार किया ठीक है यह पवित्र आत्मा का अद्भुत काम है और पवित्र आत्मा काम कर रहा था और वचन कहा गया तो तुरंत लोगों ने प्रत्युत्तर दिया मैं प्रचारक हूं और मैं इसे अच्छे से जानता हूं मैं लोगों के उद्धार के लिए अपने प्रचार पर आधारित नहीं रह सकता हूं मैं पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा पर पवित्रात्मा पर आधारित रहता हूं कि काम करे लोगों के दिल को तैयार करे लोगों को मसीह के पास लेकर आए मैं वचन प्रचार का अपना काम करता हूं प्रभु के उद्धार का मार्ग बताता हूं जब ये दो एक साथ मिलते हैं तो नई सृष्टि होती है इसलिए पॉलुस कहता है रोमियो अध्याय दस वचन आठ से दस में कहता है कि कैसे उद्धार पाए वो कहता है जो वचन हम प्रचार करते हैं विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं वो तुम्हारे निकट है वो तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे मुंह में है लोग पूछते हैं उद्धार कैसे पाए वो कहता है ये वचन है ये तुम्हारे निकट है तुम्हारे दिल में और तुम्हारे मुंह में है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला तो निश्चय ही उद्धार पाएगा देखिए कनेक्शन होता है नई सृष्टि कैसे होती है पवित्र आत्मा आपके साथ व्यवहार करता है आप उत्तर देते हैं यहां और वहां जाते हैं प्रभु में दिलचस्पी लेते हैं प्रभु आप पहले ही दिलचस्पी लेता है उसने आपके लिए सब कुछ किया है और अब आप आपने दिलचस्पी ली है आप यहां वहां जाते हैं जहां परमेश्वर की आत्मा काम करती है और प्रभु का वचन कहा गया है और ये ये संपर्क होता है आप हा कहते हैं अपना दिल खोलते हैं और विश्वास का वचन थाम लेते हैं और मुंह से यीशु का अंगीकार करते हैं और अपने दिल में विश्वास करते और उस पल जैसे परमेश्वर ने आदम में फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया जैसे परमेश्वर की आत्मा ने बालक यीशु को कुंवारी मरियम की कोख में डाला था वो चमत्कार का जन्म उसने वचन कहा और मरियम ने वचन स्वीकार किया तब बालक गर्भ में आया उसी तरह से जब आप वचन स्वीकार करते जब आप वचन सुनते और जब परमेश्वर का आत्मा आपने काम करता है कुछ अद्भुत होता है परमेश्वर की श्वास आप में फूकी जाती है आप में जोए आता है अलौकिक जीवन जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है वो आप में आता है और अब आपने एक बार फिर से परमेश्वर का स्वभाव और उसकी समानता आती है यही नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई क्या आप खुद को ऐसे जानते हैं क्या आप खुद को ऐसे देखते हैं मेरी परवरिश मसीह लोगों में हुई थी कई दिनों तक मुझे ये पता नहीं था मैंने उद्धार पाया और मैं कुछ ये और वो करने लगा जैसे जवानों में हमेशा समस्या होती है कुछ चीजों की और वो यहां वहां कुछ करते और वो कहते प्रचारक हमेशा कहते थे खैर यही बात है तुम्हारा उद्धार कहां गया तुमने उद्धार नहीं पाया अगर उद्धार पाते तो ये नहीं करते तो हम कहते मेरे प्रभु मैंने उद्धार नहीं पाया फिर एक और सभा में जाते हम वहां जाते और सारे पापियों के लिए वेदी का पुकारा होता और वेदी का पुकारा होता मसी पापियों के लिए विश्वासी जो पाप में थे फिर वो उन विश्वासियों को बुलाते थे जो उद्धार के बारे में शाश्वती नहीं रखते ऐसे ही होता था और हमेशा मैं ऐसे जवाब देता था और मैं शायद वहां पर डजनू बार गया था मतलब मैंने उद्धार पाया सिर से लेकर पैर के तलवे तक मेरे दोस्तों मैंने हर जगह उद्धार पाया भीतर बाहर हर जगह मतलब हर सभा में मैंने उद्धार पाया लेकिन फिर यह ऋतु कहीं दूर चला गया कहीं बहुत दूर और फिर किसी ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हें खुद को ऐसे नहीं देखना चाहिए शरीर के रूप में तुम्हें खुद को देखना है तुम्हें खुद को देखना होगा नई सृष्टि के रूप में क्योंकि अगर कोई मसीह है तो नई सृष्टि है नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई सब सब कुछ नया हो गया है मेरे जीवन में पहली बार मैंने नई सृष्टि के बारे में सुना यह हमेशा बाइबल में रहा है और किसी ने मुझे नहीं बताया मैंने नई सृष्टि के बारे में सुना कहा ओ oh, मैं नई सृष्टि हूं लेकिन मैं बाहर से वैसे ही हूं नहीं नहीं हम तुम्हें वैसे नहीं देखते अगर हम तुम्हें केवल बाहर से देखें तो शायद भीतर से न जाने लेकिन तुम नई सृष्टि हो इसलिए मैं आपको प्रचार करता हूं आपको बताते रहता हूं मैं क्यों बताता हूं कि आप नई सृष्टि हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता आप परमेश्वर के परिवार में हैं कैसे हैं आप तब आप परमेश्वर के परिवार के व्यक्ति जैसे व्यवहार करेंगे हेलो आप समझ रहे हैं ना आप अगर कहें मैं अयोग्य हूं अयोग्य हूं धूल और कीड़ा हूं तो आप वैसे व्यवहार करने लगेंगे आप कहेंगे चलो मैं शराब पीकर सड़कों पर गिरता हूं कुछ भी हो मैं तो धूल और कीड़ा ही हूं चलो मैं धूल में लेटता हूं कोई आश्चर्य नहीं कि धूल में लेटते हैं खैर मैं धूल नहीं हूं इसलिए मैं उस धूल में बैठना नहीं चाहता ना ही धूल में लेटना चाहता हूं मैं इतना नीचे नहीं गिरना चाहता हूं नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं यानी आप नई सृष्टि हैं सब लोग कह मैं नई सृष्टि हूं आप नई सृष्टि कैसे हो गए क्योंकि जिस परमेश्वर ने शुरू में सब कुछ बनाया परमेश्वर जिसने बनाया पवित्र आत्मा और वचन से उसने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने को मरियम की कोख में डाला उसी तरह से उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको बनाया आपको नई सृष्टि बनाया उसने आपके अंदर जीवन का श्वास फूका जोए अलौकिक जीवन आया आप भीतर में नए व्यक्ति हो गए परमेश्वर के साथ जुड़ गए आप अपने अंदर अलौकिक ज्योति के साथ जुड़ गए आप नए व्यक्ति हैं अच्छा है कि आप इसे जान ले और इसकी समझ रखें और खुद को उस ज्योति में देखना शुरू करें मेरे दोस्तों खुद के बारे में उस ज्योति में बोलना शुरू करें खुद के बारे में यह कहते ना फिर मैं बेचारा गरीब पापी हूं और जाकर अपने भूतकाल के बारे में बड़ी बातें न बनाए क्योंकि वो सब चला गया अपने वर्तमान की परिस्थिति के बारे में बताना शुरू करें नई सृष्टि नई सृष्टि के बारे में बताना शुरू करें आज मसीह जीवन में इसी की तो कमी है और इसलिए विश्वासी इतने खुश नहीं है क्योंकि वो हमेशा भूतकाल याद करते हैं, भूतकाल हमेशा उनके पीछे पड़ा है और फिर हमें सभा करनी पड़ती कि कैसे भूतकाल के जख्मों से चंगाई पाए हमें उन पर काम करना पड़ता है लेकिन मैं आपको बताऊं मैं विश्वास करता कि परमेश्वर की सामर्थ से मेरा भूतकाल मिट, भूत मिट गया है अब मेरे भूतकाल के बारे में बताते हुए मुझे उसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि यीशु ने कहा कहते हुए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे भूतकाल को कैसे लेते हैं कहने के द्वारा इस तरह भूतकाल को वापस लाते हैं उसे वापस लेते हैं आप भूतकाल के बारे में कहते हैं उसे अपने मन में लाते हैं अपने जीवन में लाते हैं और उसे अपनी परिस्थिति में लाते हैं फिर भूतकाल काम करने लगता है क्योंकि आपने उसे वापस लाया और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा भूतकाल पूर्व से पश्चिम जितना दूर कर दूंगा उसे अथा सागर में डाल दूंगा वो कहता है उसने यही किया है पुरानी बातें बीत गई और सब नया हो गया है मैं नई सृष्टि हूं हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि नई सृष्टि है यही सुसमाचार है ठीक है दूसरा क्रंथियो अध्याय पांच चलिए वचन अठारह पढ़ता हूं वचन सतारह में हम नई सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं पुरानी बातें बीत गई हैं सब कुछ नया हो गया है अब इसे देखिए सब कुछ परमेश्वर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है अब इसे सुनिए अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है अब यह कहता है कि परमेश्वर ने उसके साथ हमारा मेल मिलाप किया और यीशु के द्वारा उसने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है अब इसे सुनिए मेरे दोस्तों क्योंकि आपको किसी तरह से दूसरों के संग सुमाचार बांटना है आपकी सेवकाई क्या है सेवकाई क्या है प्रचारक शायद होंगे मैं आपको बताऊं सेवकाई किस बारे में है सेवकाई क्या है मसीह प्रचार किस बारे में है सुसमाचार किस बारे में है ये, ये यहां कहता है उसने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है और वचन उन्नीस बताता है कि वो क्या है अर्थात यह अर्थात शब्द से शुरू होता है परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है चलिए इसे मैं समझा कर बताता हूं क्योंकि इसे पढ़ते हुए आप इसे नहीं समझेंगे इसीलिए प्रचारक हैं यह मेल मिलाप की सेवकाई क्या है आप ये क्या प्रचार करते हैं मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं इसलिए हम संसार में जाकर यही प्रचार करते हैं हम संसार में जाकर कहते हैं जानते हैं मुझे याद है एक बार मैं एक अल्टर कॉल में गया था सामने में एक भाई वहां जवानों से बात कर रहे थे वो सामने आए उन्होंने कहा ठीक है तुम आए हो अब ये इतना आसान नहीं हो सकता

और फिर वापस आना और हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं दो तीन महीनों के बाद हम तुम्हारे बाल काट देंगे तुम्हें सही करेंगे और तुम्हें कपड़े सही पहनाएंगे और फिर अंत में बपतिस्मा देंगे यह सुसमाचार नहीं है और दूसरे सुसमाचार को ऐसे बनाते हैं केवल यही बताते हैं कि कि वो वो पापी व्यक्ति है वहां पर वो आए और वो पापों का अंगीकार करें और फिर उद्धार पाए लेकिन सुसमाचार उसके बारे में नहीं है क्यों क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सारे पाप याद करना असंभव है अगर मेरा उद्धार मेरे सारे पापों के अंगीकार पर आधारित होता तो मैं कभी उद्धार नहीं पाता क्योंकि बहुत से पाप है जिन्हें याद करके अंगीकार नहीं कर सकते अगर मैं चर्च में आऊं और आप बताएं कि तुम अपने सारे पापों को याद करो उसका अंगीकार करो तो उद्धार पाओगे तो यह मेरे लिए बड़ी परीक्षा होगी मेरे दोस्तों मैं निश्चय इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा मैं कैसे उद्धार पाऊं मैं कैसे सारे पाप याद करूं मेरे लिए सारे पाप याद करना असंभव है कि उनके लिए एक एक करके मैं माफी मांगू यानी सुसमाचार क्या है इसलिए रोमियो अध्याय दस वचन आठ से दस में पोलुस ने कभी नहीं कहा उससे पूछा गया कि उद्धार के लिए मार्ग क्या है तो वो कहता है वचन हम प्रचार करते हैं विश्वास का वचन तुम्हारे निकट तुम्हारे दिल और मुंह में है अगर तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु स्वीकार करो और दिल में विश्वास करो कि परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया तुम उद्धार पाओगे यहां पाप का अंगीकार कहां है पाप का अंगीकार पूरी तरह से निकाल दिया गया तो आप कहेंगे पहला एक नाव कहता है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वह हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यह विश्वासियों के लिए है अविश्वासियों के लिए नहीं क्योंकि विश्वासी जब पाप करता है तो जानता है और वो आकर पापों का अंगीकार करता है अगर आज मैं पाप करूं तो मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया तो मैं जाकर आज ही उसका अंगीकार करता हूं लेकिन मैं जीवन भर के पाप याद नहीं कर सकता हूं एक ही दिन में इस तरह यीशु के पास आऊं? इसलिए सुसमाचार इस बारे में नहीं कि मनुष्य आकर अपने सारे पापों का अंगीकार करे सुसमाचार इस बारे में है किस बारे में मेल मिलाप के संदेश के बारे में यह संदेश क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह में था इस संसार से मेल मिलाप कर रहा था अब इसका क्या अर्थ है मैं इस तरह जाकर सुसमाचार बताता हूं सुनो क्या तुम उस परमेश्वर को जानते हो जो तुमसे प्यार करता जिसने तुम्हें बनाया तुम्हारी परवाह करता है दो हजार साल पहले उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि संसार में आए कि तुम्हारे पाप उठाएं तुम्हारा दंड उठाए वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा तुम्हारे लिए लहू बहाया और वो तुम्हारे लिए फिर जी उठा कि तुम्हें नया जीवन दे अब परमेश्वर तुम्हारे पाप तुम पर फिर से नहीं लादता उसने पहले यीशु पर डाल दिए हैं इसलिए वो आपको पापी के रूप में नहीं देखता वो आप ओर देखता है और आपके दिल में आना चाहता है वो वहां खड़े होकर द्वार खटखटाता है वो कहता है देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं और अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ रहूंगा मैं उसके उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ वो कहता है वो केवल आपके दिल में प्रवेश चाहता है वो चाहता है कि आप अपना दिल उससे दे दे आपको बस परमेश्वर के पास आना है परमेश्वर से दूर ना भागे परमेश्वर ने जो आपसे प्यार करता है उसने सब कुछ पहले किया उसने पहले आपसे मेल मिलाप किया है यही संदेश है, यह हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए आए यीशु के पास आए हमने इसे मुश्किल बनाया है हम कहते हैं तुम आओ क्योंकि यीशु ने आपके लिए सब कुछ किया है तुम आओ क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग दिया है तुम आओ क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता और न्योता देता है तुम आओ क्योंकि उद्धार तो बस तुम्हारी राह देख रहा है उद्धार तुम्हारी राह देख रहा है तुम आओ परमेश्वर ने अपने साथ तुम्हारा मेल मिलाप किया है और अब वो पाप आप पर नहीं लादता है वो आपको पापी नहीं कहता अब आपको अपनी संतान मानता है जैसे आप आते हैं और उसका उद्धार पाते हैं उसके पास आए यही यीशु मसीह का सुसमाचार है दोस्तों हेलो कितने लोग समझते हैं कि इस तरह का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं यह आसान है बस यही है मुश्किल नहीं है परमेश्वर ने मेरे पापों से निपट लिया है यानी मैं आकर उद्धार पाता हूं अगर फिर पाप करूं तो पापों का अंगीकार करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ संबंध में हूं और मेरे पाप परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को और मेरी संगति को खराब करते हैं इसलिए जब मैं पाप करूं तो उसका अंगीकार करता हूं लेकिन खोए हुए व्यक्ति के रूप में क्या करना चाहिए हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है उसने यीशु के द्वारा मेरे लिए क्या किया है उसे आने के लिए मुझे उसकी बुलाहट को प्रत्युत्तर देना होगा और उससे स्वीकार करना होगा मेरे प्रभु और उद्धारक के रूप में और यही तो हो रहा है हम नई सृष्टि हैं हम लोग नई सृष्टि हैं आइए हम खड़े हो जाएं आमेन प्रभु की स्तुति खैर आप खुश हैं कि आज यहां पर आए इसलिए हम इसे सुसमाचार कहते हैं सुसमाचार यही है कि सब कुछ किया गया है सुसमाचार यही है कि मुझे न्योता दिया गया है और मुझे दिल खोलने के लिए कहा गया है सुसमाचार यही है कि सब कुछ मेरे लिए तैयार है मुझे बस विश्वास करना है और आना है यही सुसमाचार है अगर मुझे कुछ और बड़ा करना होगा तो यह बुरी खबर होगी मुश्किल खबर कठिन खबर लेकिन सुसमाचार है एक बार इसे अपने दिल में स्थापित करने के बाद तो आप देखेंगे कि जीवन कैसे होगा यह अद्भुत और अच्छा होगा क्योंकि आप खुद को नई सृष्टि के रूप में देखेंगे भूतकाल में बने न रहें, यीशु मसीह में बने रहें, कि आप मसीह में कौन हैं। अपनी कमजोरी में न बने रहें उस बल में रहे जो हमारे दिल में वो लाता है अपनी योग्यता पर नहीं लेकिन परमेश्वर की दी योग्यता पर आधारित रहें। उसमें न रहें कि आपको क्या चाहिए आपको क्या कमी और घटी है लेकिन उस संपन्नता बहुतायत और भरपूरी में रहे जो वह आपके जीवन में लाता है आमेन आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति करते हैं धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं धन्यवाद पिता हमें यह दिखाने के लिए कि हमें अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए केवल एक दूसरे को नहीं जानना है शरीर के अनुसार नहीं यीशु को शरीर के अनुसार नहीं जानना है लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा से यीशु कौन था ये देखने में मदद के लिए धन्यवाद कि उसका मन कैसा था उसकी मनोदशा कैसी थी उसका दिल कैसा था क्योंकि ऐसा ही दिल और मन हमारे अंदर भी होना चाहिए धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूं कि इन चीजों को हम पर प्रकट कर ताकि हमारा दिल वचन में स्थापित हो जाए मजबूत हो अटल रहे स्थिर रहे मुश्किलों के समय में चुनौती और परेशानी और संसार की चीजों का सामना करते हुए हम स्थिर बने रहें हमारा दिल किसी तरह न हिले और न डरे जब तक हम इन सारे शत्रुओं को और परिस्थितियों को नीचे न गिरा दें जब तक हम अपनी विजय न देखें हम चुप न बैठेंगे हम परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे हर दिल परमेश्वर के वचन की इन सच्चाइयों पर स्थापित हो गहराई से स्थापित हो कि कभी हिलाए न जाए अगर आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई सब कुछ नया हो गया है तो हम अपने भूतकाल की क्यों चिंता करते हैं और वो क्या लाएगा वो सब यीशु मसीह में मिटाया गया है हम बस उसकी स्तुति और आराधना करते हैं हम तुझे धन्यवाद 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 देते हैं हैं और और तेरी प्रतिज्ञाओं में में रहते हैं। धन्यवाद पिता हम पर यह सच्चाई प्रकट करने के लिए धन्यवाद। और इस संसार में हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद हम तुझे सारी महिमा आदर और स्तुति देते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ होती रहे अब और सदा के लिए आ